प्रेरणा कथा वो इतवार। कौन नहीं चाहता कि हफ्ते भर काम करने के बाद इतवार के दिन सुबह देरी से उठा जाए, दिन को मनपसंद खाना खाए जाए और फिर बीवी के साथ कहीं घूमने जाए। कल इतवार था, आराम कर लिया। सोमवार से शनिवार तक जीवन बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर ही हो जाता है। रमन के लिए पिछले हफ्ता कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। एक के बाद एक बहुत सी मीटिंग थी और बहुत से काम बहुत कम समय में पूरे करने पड़े थे। उसकी पत्नी रीमा भी कुछ ज्यादा ही व्यस्त रही थी। वैसे भी उसको कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ता है। सुबह 7 बजे से निकल जाती है और रात को 8 बजे घर वापस आती है, पूरी तरह से थकी हुई। उस इतवार दोनों ही भरपूर आराम करना चाहते थे। सुबह 7 बजे का समय था और रमन कमरे में सोफे पर बैठा था। उसकी पत्नी उसके सामने एक बांस की कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। रीमा ने रमन से कहा, तुम अपने बॉस को ये क्यों नहीं कहते थे कि तुमको कहीं जाना है? रमन ने गुस्से से रीमा को देखा और कहा, रीमा क्या पागलपन है, मिस्टर कुमार का घर हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, उनको पता चल जाएगा कि हम घर पर ही हैं। रमन को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि हफ्ते भर मरने के बाद इस इतवार भी उसको काम पर जाना था। वो सोच रहा था कि अगर उसको पहले मालूम होता कि उस इतवार को भी उसको काम करना होगा तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद बॉस ने उसको शनिवार को बताया था कि उनको चीन से आने वाले कुछ लोगों के साथ इतवार को एक मीटिंग करनी थी। रमन जानता था कि वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, पर उस प्रोजेक्ट में रमन का कुछ योगदान नहीं था। दूसरी बात, इतवार था, आराम करने का दिन, वो अपनी एक छुट्टी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। रमन ने चाय का एक घूंट भरा और समाचार पत्र उठाकर पढ़ने लगा। अचानक उसकी पत्नी रीमा ने एक विचार सुझाया। वो बोली, अपने बॉस को फोन करके कह दो कि तुम बीमार हो, तुमको वायरल फीवर है, वो ना नहीं कह सकेंगे। रमन ने कहा, आज की बात नहीं है, कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मुझे उसमें तो जाना ही होगा, मैं कैसे कह दूं कि आज बीमार हूं और फिर कल उस मीटिंग में चला जाऊं? एक दिन में वायरल फीवर कैसे ठीक हो जाता है, ये नहीं चलेगा। रीमा फिर से बोली, अच्छा आज काम पर चले जाओ और आने वाले शुक्रवार शनिवार की छुट्टी ले लो, हम दोनों कहीं बाहर घुमाएंगे। रमन ने उसको देखे बिना कहा, नहीं नहीं हो सकता, इस हफ्ते के अंत में मुझे कुछ लोगों से बहुत कुछ काम के बारे में चर्चा करनी। उसकी पत्नी चिल्ला उठी, शाबाश रमन, तुम घर वापिस आते ही क्यों? ऐसा करो, जब आज दफ्तर जाओगे तो अपने कपड़े भी साथ ले जाना, वापिस आने की जरूरत नहीं है, पूरा हफ्ता मैं मशीन की तरह काम करती हूँ कि चलो इतवार को तुम्हारे साथ रहूंगी, पर अब तो इतवार भी नहीं है मेरे नसीब में। रीमा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर तो नहीं कर रहा हूं ये सब, बस मुझे आज काम पर जाना ही होगा। ठीक है, जाओ, खुशी से जाओ। इतवार को काम करने के विचार से ही रमन का सर फटने लगा। उसने समाचार पत्र मेज पर रखा और अपनी चाय समाप्त की। उसकी पत्नी ने उसको एक बार घूर कर देखा। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा अगर तुम बीमार नहीं हो सकते तो मैं तो बीमार हो सकती हूं? कैसे कैसे, मैं समझा नहीं, रमन ने उसकी तरफ देखकर कहा। अपने बॉस से कह दो कि मैं बीमार हूं, मुझे बहुत तेज बुखार है और तुम काम पर नहीं जा सकते, पर कह देना कि कल तुम जरूर दफ्तर आ जाओगे। वाह रीमा, ये तो बहुत ही जबरदस्त विचार है। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में जाकर अपना फोन ढूंढने लगा। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। वो दरवाजा खोलने गया। उसने देखा कि बाहर लगभग एक 12 वर्ष की लड़की खड़ी थी। उसका रंग सांवला था और बाल भूरे थे। उसने एक पीले रंग की कुर्ती पहन रखी थी। उस लड़की ने कहा, मैडम जी घर पर हैं? रमन समझ गया कि वो रीमा से मिलने आई थी। तभी रीमा भी आ गई। वो नौकरानी की बेटी थी। रीमा ने उस लड़की को कहा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उस लड़की ने कहा, मम्मी को बहुत तेज बुखार है, हमारे पास फोन नहीं है ना, इसीलिए मैं बताने आई हूं, आज मम्मी काम पर नहीं आई। रीमा तो जैसे बिफल थी। क्या
पहले भी कितनी छुट्टियां ले चुकी है, सिर्फ इतवार को ही तो आती है, वो इस इतवार की भी छुट्टी चाहिए? कह देना मैं तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। रीमा ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग हमारी उदारता का नाजायज लाभ लेते हैं। अब सफाई कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, पूरे हफ्ते के कपड़े पड़े हैं, एक दिन आराम नहीं है मुझे तो। लड़की फिर से बोली, मैडम जी मम्मी को बहुत तेज बुखार है। रीमा ने कहा, अच्छा बहाना है, उसको कह देना उसको इस महीने पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो लड़की बोली, नहीं मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मैं मम्मी की जगह काम कर दूंगी, बताइए क्या क्या करना है। वो लड़की तुरंत रसोई में चली गई और बर्तन धोने लगी। रमन और रीमा एक दूसरे के सामने बैठे थे पर दोनों शांत थे। रमन ने कुछ सोचकर कहा, रीमा वो तो सच में बीमार है पर तुम तो नकली बीमार होने वाली हो। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ रमन ये गलत है, मैं बीमार नहीं हूं, तुम दफ्तर जाओ और काम करो, देखो तो बेचारी छोटी सी लड़की बर्तन धो रही है। नहीं रमन मैं बीमार नहीं, तुम जाओ। रमन ने आगे बढ़कर रीमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसको चूम लिया। रीमा हम लोग कितने स्वार्थी हो गए, मुझे तो अपने आप से ही घृणा होने लगी। रीमा ने कहा, तुम इस लड़की को अपनी तरफ से 50 रुपये देते जाना, कहना कि तुम्हारी तरफ से उपहार है, बेचारी खुश हो जाएगी, मैं इसकी माँ के लिए कुछ फल भेज दूंगी। कुछ देर बाद रमन नाश्ता कर रहा था और रीमा मुस्कुरा रही थी। अच्छा एक बात, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, देखो मीटिंग कितने बजे खत्म होती है, पर तुम तैयार रहना, हम शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे। मित्रों हर व्यक्ति को आज के इस युग में बहुत परिश्रम करके 4 पैसे कमाने पड़ते हैं, परंतु ज्यादातर लोग जीवन की आपाधापी में यह भूल जाते हैं कि उनसे नीचे के भी कुछ लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल होता है। हमें अपने लिए काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए और उनको मुसीबत के समय समर्थन और सहारा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।